तो हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एक्सट्रीम टेक। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि MIUI के अपडेट में क्या नया आया है। दोस्तों, इस अपडेट का वर्जन है MIUI 10.8.11.23। और ये जो अपडेट आया है ये बहुत ही ज्यादा लेट आया है, 3 दिन बाद। पर ये जो अपडेट है ये आज तक का सबसे बेस्ट अपडेट है, मैं ये कह सकता हूँ फिलहाल। और ये जो अपडेट है बहुत ही ज्यादा कमाल कर दिया है, बहुत ही तगड़ा अपडेट आया है इस बार का। इससे पहले कोई भी इतना तगड़ा अपडेट नहीं आया दोस्तों। तो फिर आई जाने इस वीडियो में कि आपको इस अपडेट के अंदर क्या कुछ नया देखने को मिल जाता है, क्या करेंगे इसमें बग फिक्सेस, क्या अगर नए फीचर्स को ऐड किया गया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अपडेट जो है वो बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि ये अपडेट में पूरी तरह फीचर्स पर ध्यान दिया गया है, जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट है उस पर ध्यान दिया गया है। तो दोस्तों, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छी चीजें देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, ये अपडेट बहुत ही कमाल का है। तो दोस्तों, अगर हम जान लें कि इस अपडेट के अंदर हमें क्या देखने को मिल जाता है, तो सबसे पहले तो एक और कमाल इन्होंने करा है सेटिंग में। अगर अबाउट हमें चले जाए तो यहाँ पे वॉट्स न्यू में इन्होंने लिख दिया है। तो वॉट्स न्यू में इन्होंने पहली बार लिखा है, मैं बहुत खुश हूँ लिखने के लिख दिया। लिखा है सेटिंग्स रिस्टोर आइकन वर्न डिस्प्ले वेल करेक्टिंग एडजस्टिंग फॉन्ट्स। तो इस बार इन्होंने फोन को रॉकेट नहीं बनाया है, इस बार इन्होंने फीचर्स पे ध्यान दिया है। अब काम तो अच्छा ही करा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉन्ट्स रिस्टोर अगर हम चेंज करते थे तो हमारी जो आइकन्स थे वो रिस्टोर नहीं हो पाते थे, उसे यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। अब आपके जो आइकन्स हैं परफेक्टली रिस्टोर हो जाएंगे। अगर हम बात कर ले कि इसमें नया कुछ का क्या आया है, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला लिखा हुआ है न्यू थिंग्स इन रिसेंट मेन्यू। अगर हम रिसेंट मेन्यू में चले जाए तो आपको यहाँ पे 4 नए ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जो है क्लीनर, सिक्योरिटी स्कैन, फाइंड एप्स एंड मैनेज एप्स। तो ये जो ऑप्शन है ये बहुत ही ज़्यादा वर्किंग है और बहुत ही तगड़े ऑप्शन है। दोस्तों, मेरे पीछे सूरज चमक रहा है, तो मतलब अगर आप क्लीनर, इसको बंद कर देता हूँ। तो अगर हम यहाँ से क्लीनर पर टाइप करेंगे तो आप जो है वो यहाँ से क्लीनर में पहुँच जाएंगे कुछ इस तरह से। तो क्लीनर के बाद अगर आप जाना चाहते हैं किसी और चीज़ पे, तो आप सिक्योरिटी स्कैन पर टाइप करेंगे तो सिक्योरिटी स्कैन पर पहुँच जाएंगे। फाइंड ऐप्स में आप स्टोर पर पहुँच जाएंगे, और मैनेज ऐप्स पर आप अपने मैनेज कर सकेंगे ऐप्स को। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फीचर है, जो शॉर्टकट्स के थ्रू अपना काम करना चाहते हैं उनके लिए। तो ये यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है न्यू फॉलोअर्स। तो अगर हम चले जाए अबाउट फोन में, फॉलोअर्स का यहाँ पे पहले आपको 3 टैब दिखते थे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर के। पर अब इन लोगों ने फॉलोअर्स का एक अलग ही टैब बना दिया, जिसपे अगर आप टैप करेंगे यहाँ पे तो जाके आपको यहाँ पे पूरे फॉलोअर्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपको शो करेगा, जो काफ़ी अच्छी बात है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है नवंबर पैच। मेरे को ये पता नहीं है कि नवंबर का पैच पहले आ गया था या अब आया है, मेरे को लग रहा है अब आया। तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पैच लेवल जो है वो नवंबर का देखने को मिल जाता है, हालांकि दिसंबर आने वाला है। पर मैं नोकिया वाले 6.1 प्लस में अभी नवंबर का पैच भी नहीं आया है, उसमें भी कह रहे थे कि महीने के एंड में आ जाएगा। तो ये हमारा एक बहुत अच्छा चेंज है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है रीनेम्ड इन डिस्प्ले। तो दोस्तों, ये क्या, अगर हम सेटिंग्स में चले जाएं और यहाँ पे चले जाएं डिस्प्ले के अंदर, तो यहाँ पे जाने के बाद आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है टेक्स्ट स्केलिंग एंड टेक्स्ट साइज एंड स्केलिंग का, टेक्स्ट एंड यूआई एलिमेंट्स। मतलब ये जो इन्होंने नया टैब बनाया है, इसके अंदर आपको अभी और भी ऑप्शन ऐड होने दिखेंगे। वैसे ये बस रीनेम किया गया है इस वाले मेन्यू को, जो ठीक ठाक बात है, इसमें कोई ज़्यादा है नहीं। वॉलपेपर कोलोसल मोर फीचर्स एंड मोर फीचर्स डेट वी रियली नीड। तो ये क्या लिखा हुआ है दोस्तों, अगर हम चैटिंग में चले जाएं, यहाँ से हम चले जाएं लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड में, और यहाँ पे जाने के बाद हम चले जाएं वॉलपेपर कोलोसल में, तो यहाँ पे आपको एक नई बहुत ही खतरनाक चीज़ देखने को मिल जाती है। सबसे पहले तो आपको देखने को मिलेगी पावर प्राइवेसी पॉलिसी, जिससे मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया हूँ। मेरे को इतना पसंद आता है ना प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ के, इतना मेरे को खुशी मिलती है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ लिखी हुई है ग्लेंस कैटेगरीज। तो ये वही चीज़ है जो आपकी कैटेगरीज थी, जिसे अब यहाँ से फॉलो 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 कर सकते हैं। मैं सबको फॉलो कर देता हूँ, मेरे को चाहिए। इन्होंने शायद ओप्पो ओप्पो से कॉपी किया है, जो ओप्पो का पुराना UI था उसके अंदर कुछ ऐसा ही था, पर उसने ओप्पो ने ओप्पो से कॉपी कर लिया है। तो यहाँ पे जो पहली चीज़ थी वो थी ग्लेंस कैटेगरीज। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी ऑफ गैलेक्सी इमेजेस, ओ सॉरी गैलरी इमेजेस। तो एवरी सेकंड और थर्ड इमेज जो है वो गैलरीज होगी। मतलब ये एक चीज़ है कि मिक्स योर पर्सनल फोटोज इन स्लाइड शो। तो अगर आप यहाँ पे चले जाएंगे तो यहाँ से आप अपनी पर्सनल फोटोज भी स्लाइड शो में ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं ये वाला थंबनेल कर देता हूँ, तो यहाँ से मैंने ऐड कर दिया। तो आपके अगर हम लॉक स्क्रीन में जाएंगे, तो यहाँ पे जाने के बाद भैया फेस अनलॉक। तो यहाँ पे अगर हम वॉल, और यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉलपेपर डिटेल्स दिखा रहा है। अगर इस पर टैप करेंगे तो आपको वॉलपेपर की पूरी डिटेल दिखेगी, जो काफ़ी यहाँ पे अच्छा लुक देता है। दोस्तों, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ से, मेरे को चाहिए थी भाई। मैं इसका फेस अनलॉक बंद करूँ, रुको। दोस्तों, फेस अनलॉक बंद कर दिया मैंने, मेरा बहुत दिमाग खराब था ये। दोस्तों, अब आप देख सकते हैं बिल्कुल ही मस्त एकदम लग रहा है देखने में। और ये जो है, अगर हम जहाँ चले जाएंगे तो यहाँ पे वॉलपेपर कवर मी हूँ, बाकी सब सेम है। यहाँ से आपका कैमरा खुलता है, बस थोड़ी बहुत एनिमेशन में इन्होंने चेंज किया है। और अगर हम बात कर ले कि ये वॉलपेपर डिटेल्स क्या है, तो अगर हम यहाँ पे चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको जाने के बाद कैटेगरीज का ऑप्शन देख देगा इन्होंने। पावर बाय ग्लेंस है, पहले कुछ और था। तो यहाँ से आप वीडियो देख पाएंगे और यहाँ से आप वॉलपेपर जो है वो चेंज कर पाएंगे कुछ इस तरह से, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक देता है। मेरे को लगता है अगर वॉलपेपर कलर में चले जाएंगे तब भी, हाँ भाई सेम है।
तो ये जो है ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया चेंज किया उन्होंने वॉलपेपर कैरोसेल के अंदर। अगर आपका प्ले स्टोर पे अपडेट नहीं है तो आप कर लीजिए, वरना आपको सिस्टम अपडेट पे भी मिल जाएगा ये, जो मेरे को काफी अच्छी बात लगी। अगर अबे हट जा, नेक्स्ट यहाँ पे चीज की बात कर ले तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, अबे ये बहुत परेशान कर रहा है मेरे को। यहाँ पे नेक्स्ट ये लिखी हुई है न्यू ऑप्शन ऑफ डिस्प्ले सजेस्ट, तो ये क्या चीज़ है दोस्तों। अगर हम चले जाएं यहाँ से और होम स्क्रीन सेटिंग में रिसेंट में चले जाएं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है शो सजेशंस का। तो ये क्या, अगर आप यहाँ से इसको डिसेबल कर देंगे तो यहाँ पे आपको जो नए ऑप्शन दिखने थे वो नहीं दिखेंगे, अगर आप इसे इनेबल कर देंगे तो आपको जो है वो नए ऑप्शन यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगे कुछ इस तरह से। तो ये एक नई चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखने को मिल जाता है न्यू ऑप्शन इन जेस्चर कंट्रोल। तो न्यू ऑप्शन इन जेस्टर कंट्रोल इसलिए है क्योंकि आपके जो आपको पता होगा कि मेरे को कई उससे सुनने में आया था कि जेस्टर्स को बहुत ज़्यादा एनहांस किया गया है। सो मैंने इसको चेक किया सेटिंग में जाके फुल स्क्रीन डिस्प्ले में, तो यहाँ पे आपको कुछ भी मतलब जेस्टर अलग देखने को नहीं मिलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे कुछ भी मतलब चेंज नहीं है। तो दोस्तों चेंज कहाँ पे है मैं आपको बताऊँ, चेंज जो है वो यहाँ पे है, जैसे कहते हैं ना टेस्ट कहाँ है, टेस्ट यहाँ है। तो यहाँ पे टेस्ट क्या है भैया, ये जो चीज़ है इसे चेंज किया गया। अगर हम बैक चले जाएं यहाँ से और यहाँ से हम चले जाएं अब क्या कहते हैं भैया बटन एंड जेस्चर शॉर्टकट्स में, तो यहाँ पे आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिलता है जिसमें लिखा हुआ है पावर एंड होल्ड पावर बटन फॉर 0.5 सेकंड। तो ये क्या दोस्तों, अगर आप फुल स्क्रीन जेस्चर यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास होम बटन नहीं है, इससे बात है। तो अगर आपको गूगल असिस्टेंट एक्टिवेट करना है तो आप नहीं कर सकते थे, आपको ओके गूगल बोलना होता था, पर बदतमीज गूगल आता ही नहीं था जैसे अभी नया है। तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपको ये जो पावर बटन है आपको इसको टैप एंड होल्ड कर रखना है और आपका गूगल असिस्टेंट आ जाएगा, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। और ये फीचर बहुत ही ज़्यादा हैंडी है उन लोगों के लिए जिनको गूगल असिस्टेंट चाहिए फुल स्क्रीन डिस्प्ले के साथ में। और यहाँ पे मेरे को लगता है कुछ नए फीचर्स हैं शायद, नहीं है दोस्तों बाकी सब सही है। वाओ, और इसके अलावा यहाँ पे देखने को मिल जाता है फेसबुक क्लीनर और बूस्ट स्पीड। तो ये जो है सिक्योरिटी ऐप के अंदर फीचर्स आए हैं दो नए, जिसमें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है बूस्ट स्पीड और सिक्योरिटी वाला जो भी है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है सबसे पहला ऑप्शन है बूस्ट स्पीड का, तो यहाँ से आप अपनी स्पीड को बूस्ट कर सकते हैं, रॉकेट बना सकते हैं अपने फ़ोन को। तो वहाँ से आप बूस्ट स्पीड हो गई भैया, बूस्ट स्पीड हो गई। तो इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है फेसबुक क्लीनर, अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं बहुत ही ज़्यादा और आपके फ़ोन में भर गई है गंद बहुत ही ज़्यादा, तो आप यहाँ से उसको क्लीन कर सकते हैं, साथ में आप ऐड भी देख सकते हैं। भैया ये Xiaomi वाले अच्छा काम कर रहे हैं, अपडेट्स अच्छे दे रहे हैं MIUI को, तो और भी पावरफुल और स्ट्रांग बना रहे हैं बाकी UI से कम्पीट करने के लिए। बट अरे ऐड बंद कर दो यार, दिमाग मत खाया करो, मेरे को बहुत गुस्सा आता है तुम्हारी ऐड पे। सबसे ज़्यादा गुस्सा मेरे को तभी आता है जब तुम ऐड दिखाते हो, मेरे को इतना बोलने का मन करता है ना, ऐड मत दिखाओ, परेशान हो गया मैं ऐड से। तो फेसबुक क्लीनर आपको देखने को मिल जाता है और आप यहाँ से इमेजेस और सब फेसबुक के थ्रू जो आप डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ पे शो करेगा। तो यही कुछ आया था आज के अपडेट में, और इसके अलावा कुछ भी नहीं आया था, मतलब इसके अलावा मैं बोलने का मतलब तो है नहीं मेरा बनता, क्योंकि इसके अलावा मतलब बहुत कुछ आ चुका है। और अगर हम बात करें मी फॉरम के सिक्योरिटी के बीटा नाम चेंज लॉक के बारे में, तो वो तो भैया यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ लिखी हुई है, अप्लाई फॉर अपडेट्स नाउ स्क्रीन ब्लिंकिंग व्हेन वॉचिंग यूट्यूब और नोटिफिकेशन, मतलब सारे बग्स फिक्स करेगा इसमें, और कुछ भी नहीं लिखा था। और यहाँ पे डाउनलोड लिंक भी दे देंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे डाउनलोड लिंक मिल जाएंगे, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं फाइल्स को। तो भाई अपडेट लेट आया पर अपडेट कमाल का आया। तो यही था आज की वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करें मत भूलिएगा चैनल को अगर आपने अभी नहीं किया है। तो मैं फिर आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए टिल देन हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय। और एक चीज़ और भैया, आप सेकंड चैनल यार सब्सक्राइब कर लो, मेरे को बहुत जरूरत है जाके सब्सक्राइब करो, सॉरी 100 सब्सक्राइबर का गोल है, जल्द से जल्द जाके सब्सक्राइब कर लो यार, गेमिंग स्ट्रीम्स और एक्स्ट्रा टेक दे रहा हूँ मियो से हट के, तो जाके यार सब्सक्राइब कर लो, और काफ़ी सारी नई चीज़ें भी आने वाली हैं उस पर, तो आप जाके यार सब्सक्राइब कर लो, जाके आप सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, बाय।